तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल में फॉर्मूला, और फॉर्मूला में हम लॉजिकल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। लॉजिकल फॉर्मूले में हम बात करेंगे इफ एंड एंड फॉर्मूले की। हमने इफ फॉर्मूले लास्ट क्लास में पढ़े थे, हम बात करते हैं इफ के साथ एंड फॉर्मूले का क्या रोल है। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स है, अगर मैंने आपको बोला कि आपको पता करना है ये ग्रेटर देन 60 कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं डायरेक्ट लॉजिक लगा दूं या कुछ अलग मैसेज देना है, तो मैं इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ ग्रेटर देन 50 तो यहाँ पे हमारा 500 हो, अदरवाइज 100 हो। तो यहाँ पे तो चलो आपको ग्रेटर देन 50 एक कंडीशन हुआ, बट आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हुआ, तो मतलब मैं बोलता हूँ कि 50 टू 80 के बीच वाले को हमें 500 देना है और बाकियों को जो है मुझे है उसको 100 देना है, तो वहाँ पे हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूज करेंगे एंड फॉर्मूला। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मोर देन वन कंडीशंस हो, उस केस में हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक एंड का और दूसरा ऑर का। एंड या फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब कंडीशन रिक्वायर्ड हो, कि हाँ ये कंडीशन तो होना ही चाहिए, जैसे यहाँ पे 50 टू 80 के बीच होना चाहिए, तो पहले कंडीशन हमने दिया कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और दूसरी कंडीशन हमने दिया कि इसको सिलेक्ट किया अगर ये लेस देन इक्वल टू 80 है, तो दोनों कंडीशन रिक्वायर है, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। अब मुझे ट्रू एंड फॉल्स को अपना खुद का 500 एंड 100 पे चेंज करना है, तो इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इस एंड को इफ के अंदर डाल देंगे और लिखेंगे 500 100, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए मुझे एंड ना लगाना हो, तो क्योंकि मेरे पास कंडीशन थोड़ा सा अलग है, कि अगर यहाँ पे कि लेस देन 50 होगा तो उसको 100 देना है, और ग्रेटर देन 80 होगा उसको मुझे 200 देना है। तो देखिए एंड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारे पास कंडीशन तो कई सारे हैं लेकिन सारे कंडीशन पे रिजल्ट हमारा एक है। अगर हर कंडीशन के रिजल्ट अलग अलग है, वहां पे एंड का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे हमें नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे यह हम देंगे फॉर्मूला इफ का, हमने सिलेक्ट किया अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, फिर यहां पे अगेन एक कंडीशन चेक करेंगे, मतलब कि दूसरा इफ जो है पहले इफ के ट्रू पार्ट में होगा, इसको सिलेक्ट करके बोला अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है, ऐसा हो तो 500 का रिजल्ट आए, नहीं हो तो क्या नहीं हो, मतलब कि हो ग्रेटर देन 50 तो हो बट लेस देन 80 ना हो, मतलब कि 80 से बड़ा हो, तो 200 यहां पे देंगे और यहां पे हम इस इफ को क्लोज कर देंगे। अगेन हम यहाँ देखिए क्या हुआ कि अगर ग्रेटर देन 50 हो तो दूसरा इफ चले, अगर ग्रेटर देन 50 ना हो तो रिजल्ट क्या है 100 आए, और इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। ए है हमारा नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, और ए हमने एंड का यूज किया, तो दोनों का पैटर्न समझ में आ गया, दोनों का यूजेस समझ में आ गए और रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, सबको आ गया, ये किसी एक को ही आया है। सर थोड़ा सा इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना था। सिंपल सी बात समझिए, एंड का यूज कब करते हैं, जब मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, बात समझे, पहली क्राइटेरिया ये है। दूसरी क्राइटेरिया है कि एक से ज्यादा कंडीशन तो हो लेकिन रिजल्ट एक ही हो, मतलब कि मुझे ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 होने पे मुझे 500 देने हैं, ऐसा नहीं है कि लेस देन 50 लेस देन 50 होने पे कुछ और देना है, ग्रेटर देन 80 होने पे कुछ और देना है, फिक्स है हमारा, समझे। जैसे कि आपको बोला गया कि आप दिल्ली के नेहरू प्लस मार्केट में जाओ, लैपटॉप खरीदना है, तो प्राइस 50,000 के आस 50,000 से कम होना चाहिए, कंपनी लिमोनो होना चाहिए और प्रोसेसर i5 होना चाहिए, तो आपके पास तीन कंडीशन है,
और काम क्या है? लैपटॉप खरीदना। क्या सर? तो लैपटॉप खरीदना कब डन होगा? जब तीन कंडीशन मैच होंगे कि कंपनी लेनोवो होनी चाहिए, प्राइस 50,000 से नीचे होना चाहिए और प्रोसेसर i5 होना चाहिए। जब तीन कंडीशन मैच करेगा तो क्या परफॉर्म होगा? लैपटॉप खरीदा जाएगा। तो तीनों कंडीशन रिक्वायर है ना, तीनों होने ही चाहिए। कंपनी लेनोवो दे दिया, i5 दे दिया, प्राइस बोल रहा है नहीं 65,000, तो आपको खरीदना नहीं। सेम इसी तरह से आपके पास अगर कई सारे कंडीशन को क्लियर करके आपको एक रिजल्ट देना है, वहां पे हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। बट कंडीशन रिक्वायर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी कोई भी कंपनी जो है डेल और लेनोवो में से कोई एक हो, प्राइस 50,000 से नीचे हो और प्रोसेसर i5 और i3 की चलेगा, तो ये कंडीशन क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, और भी आ गया एंड भी हो गया। तो यहाँ पे हम और देंगे, एंड नहीं देंगे, ठीक है? चलिए एंड का एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक नेम दिया है और एक रिजल्ट, एक मार्कशीट, मैं रिजल्ट मार्कशीट बना रहा हूँ जिसके रिजल्ट निकालूंगा, जिसमें सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे तीन सब्जेक्ट दिया, इस बार जो है तीन कंडीशन कर देता हूँ, तीन सब्जेक्ट है मेरे पास और मुझे यहाँ पे रिजल्ट देना है। और कंडीशन ये है कि सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट थर्टी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो अगर तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट थर्टी से ज्यादा है तो यहां पे पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर थर्टी से ज्यादा है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम देंगे फॉर्मूला एंड का, और हमने बोला कि सब्जेक्ट वन ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, सब्जेक्ट टू, अब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर रहा हूं मैं, इस ग्रेटर देन कर रहा, आप इक्वल टू कीजिएगा। ग्रेटर देन 30 कर दिया तो 30 को कंसीडर नहीं करेगा, 31 को कंसीडर करेगा, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट थ्री अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 30 है, अब तीनों सब्जेक्ट अगर 30 से बड़ा ज्यादा है तो क्या आएगा? फॉल्स, नहीं तो ट्रू। देखिए दो ट्रू आया, क्या सर? ये फर्स्ट वाला क्यों? ओके 16 है ना जी। अब इसको पास वो एक एक को सिंगल काउंट कर रहा है ना, बोलिए एक ही 30 प्लस होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू लाएगा ना। हां 30 से ऊपर होगा तो एवरी सब्जेक्ट, नॉट ए वन सिंगल सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट, नॉट सम करने पे सिंगल सिंगल का 30 30 ले। हां जी हां, सम नहीं करना है। समझ गए सर? समझ गया सर। मैंने यहाँ पे इफ दिया और हमने यहाँ पे बोला पास अदरवाइज फेल, क्योंकि इफ जो है ट्रू फॉल्स पे चलता है। अगर एंड ने ट्रू दिया तो पास शो करेगा, फॉल्स दिया तो फेल शो करेगा। समझे? समझ गया सर। तो यहाँ पे कंडीशन तो कई सारे हैं सर, थोड़ा सेंटर करूंगा सर। जो इफ लगा के बाद में हमने कॉमा के बाद हमने पास और फेल का लॉजिक दिया है कि रिजल्ट ये शो करे, तो लाइक सर यदि मैं फेल पहले लिखूं पास बाद में लिखूं तो क्या रिजल्ट अलग रहेगा? रिजल्ट वही रहेगा। क्या बोल रहे हैं? लाइक सर अभी हमने इफ लगा के लास्ट में हमने रिजल्ट के लिए दिया कि रिजल्ट हमें ये शो होना चाहिए, लाइक पास और फेल, एक्स वाई जेड हम वहां कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो हमने पास लिखा है और फेल लिखा है, तो यदि पास की जगह फेल लिख दे और फेल की जगह पास लिख दे तो रिजल्ट तब भी वही रहेगा ना सर? रिजल्ट उल्टा हो जाएगा ना फिर? उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जैसे ये ले रहा वैसे लेगा सर? जी हाँ। देखिए क्या नहीं समझ रहे आप, यहाँ सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स दिख रहा है आपको सर? तो यहाँ फॉर्मूला का क्या काम है कि लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ इस वाला पोर्शन का पार्ट शो करेगा, अगर ये फेल हुआ तो इस वाला पोर्शन का पार्ट शो करेगा।
ओके ओके ठीक सर, है इसी ना? सीक्वेंस में चल रहा है ये? जी हाँ जी हाँ। और इसका रिजल्ट ठीक है अगर सर, ट्रू ठीक। हुआ, एंड का रिजल्ट ट्रू हुआ तो इफ इसको फॉरवर्ड कर देगा, इसकी वैल्यू को शो करेगा। अगर फेल हुआ तो इस वाले ओके वैल्यू को ओके शो करेगा। सर, राइट अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स जैसा जी वो कह रहा है वैसे ही हमें जी रिजल्ट के लिए वहां जी अप्लाई करना पड़ेगा। जी 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 ठीक है सर, ठीक है ओके ओके सर। अब इसको इफ से कैसे करेंगे? अब ये मैं एंड यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मुझे शो करवाना है कि किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है। समझ गए? जी तो यहां पे इफ का कंडीशन हुआ कि इफ हम पहला कंडीशन चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 30, माने कि क्या सब्जेक्ट वन में 30 से ज्यादा है? अगर है तो फिर दूसरा इफ को फॉलो करें, क्या सब्जेक्ट टू 30 से ज्यादा है तो तीसरा इफ को फॉलो करें, क्या सब्जेक्ट 30 से ज्यादा है तो तीसरा इफ भी 30 से ज्यादा है तो यहां पे आ जाए पास। अगर नहीं है मतलब कि सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि तीसरे सब्जेक्ट में फेल है तो एस थ्री फेल। उसके बाद हमने तीसरा इफ को क्लोज कर दिया। अब आगे हम दूसरा इफ में, तो दूसरा इफ के ट्रू पार्ट में है, कॉमा डालते हैं, देखिए फॉल्स पार्ट पे आ गए। तो अगर तीसरे इफ के दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में होगा मतलब कि सब्जेक्ट टू फेल। फिर इसको क्लोज किया और पहले इफ के फॉल्स पार्ट में आ गए, सब्जेक्ट वन फेल। अब यहां पे एक चीज देख, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। मैं आपको जी अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। देखिए सबसे जी पहले जी इसको इसको मैच करेगा, बी टू ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन 30 हुआ तो ये दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा। नहीं 30 से ग्रेटर नहीं है, 16 है, 15 है, 20 है, तो सीधे ये क्या करेगा इसको शो करेगा, इस सब को इग्नोर कर देगा। बात समझ में आया? अब ये अगर यहाँ पे आया दूसरे इफ पे आ गया तो दूसरा इफ अपना कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो तीसरे इफ को फॉलो करेगा, नहीं तो दूसरे इफ का जो फॉल्स पार्ट है उसको शो कर देगा। और तीसरा इफ पे आ गया, अगर तीसरा इफ तक पहुंचा मतलब कि दो सब्जेक्ट में वो पास है तभी वो तीसरा को चेक करने पहुंचा है। अगर तीसरा पास तीसरा भी ग्रेटर देन 30 है तो ये पास को शो करेगा, नहीं तो फेल को शो करेगा। समझे? तो यहां पे क्या है कि यहां पे कंडीशन ट्रू होगा तभी वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, पहला कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी दूसरा कंडीशन को चेक करेगा, नहीं तो अपना फॉल्स रिजल्ट देके बाहर निकल आए। लाइक सर आप कह रहे हैं कि पहला ही सब्जेक्ट मेरा फेल है तो वही रिजल्ट दे देगा वो, अदरवाइज फिर वो आगे बढ़ेगा दे देगा, दूसरा तीसरा सब्जेक्ट को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे अगर कोई एक सब्जेक्ट भी फेल है इट मीन्स फेल है। फेल है ठीक है सर। एक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया सर? आया सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। प्रैक्टिस तो सर आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करूंगा। करेंगे सर, मैंने भी प्रैक्टिस करनी थी, करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। होता क्या है, इफ को समझिए, इफ होता क्या है। देखिए इफ का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को समझिए, मैं आपको समझाता हूँ उसका प्रोसीजर। जैसे कि इफ होता है, जैसे कि ए हो गया, ए हो गई आपकी कंडीशन, ठीक है ना? और इसके दो पार्ट, इफ के पास दो पार्ट है। अगर ए ए हो जाता है, ए आ जाता है आपका ट्रू वाला, ए आ जाता है फॉल्स वाला। तो इसने कंडीशन चेक किया ट्रू है तो इसके रिजल्ट को फॉलो कर देगा, अगर फॉल्स है तो इसके रिजल्ट को फॉलो कर देगा। लेकिन मैंने क्या किया कि यहां भी एक कंडीशन लगा दिया, मतलब कि अगर पहला ट्रू हुआ तो फिर इसके ट्रू पार्ट पे और इसके फॉल्स पार्ट पे आएगा।
अब ये चेक करेगा, अगर यहां ट्रू है तो फिर तीसरा इफ पे जाएगा। तो यहां पे आपके फॉल्स रिजल्ट आ गए, फेल वाला फॉल्स, फॉल्स आ गए, ये आपका फॉल्स है। ये होता है इसका डायग्राम, ये आता आपका ट्रू। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरह यहाँ भी आया, चेक किया कंडीशन, पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो फिर वो ट्रू वाले पार्ट में चला जाएगा, फॉल्स होगा तो यही पे फॉल्स हो कर देगा और ये पूरा को इग्नोर कर देगा। सेम यहाँ चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर इसको रिजल्ट हो के इसको इग्नोर कर देगा। सिंपल सा इसका डायग्राम है सर। चलिए, बट इसमें ये है कि अगर किसी ने दो सब्जेक्ट में फेल किया तो यहाँ एक ही दिखेगा, क्योंकि वो दूसरा को चेक ही नहीं कर रहा है ना, पहला उसको फेल मिल गया, पहली बार आ गया। ओके ओके, अब चलिए हम बात करते हैं और के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डे है, संडे मंडे ट्यूजडे जो भी है, अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट देना है कि अगर सैटरडे एंड संडे हुआ, सैटरडे या संडे हुआ तो रिजल्ट देना है, यहाँ पे देना है माने ऑफिस में, ऑफिस में वो ऑफ देना है, वीक ऑफ देना है या ऑफ देना है, और सैटरडे संडे के अलावा कोई डे आता है तो वहाँ पे ओपन शो करना है। तो यहाँ पे क्या है कि सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो नहीं होगा ना सर, तो यहाँ पे एंड कमांड तो लगा ही नहीं सकते हम, एंड गलत होगा, क्योंकि एंड जब लगाएंगे तो एक ही सेल में संडे भी होना चाहिए और सैटरडे भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम और देंगे क्योंकि हमारा ऑप्शनल है। आओ, हमने बोला कि दैट इज इक्वल टू सैटरडे कॉमा अगेन सिलेक्ट किया इक्वल टू संडे। तो जहां पे सैटरडे एंड संडे में से कोई एक होगा रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फेल। सैटरडे एंड संडे में से कोई एक भी हुआ तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। और इस ट्रू फॉल्स को हम अपने रिजल्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ अगर ट्रू है तो मतलब कि ऑफ है, नहीं तो ओपन है, समझे? इसमें चार भी लगा था, अगर सैटरडे संडे के अलावा मंडे भी, और मंडे भी ऐड कर सकता हूँ। हाँ, जो मर्जी आप कॉमा कॉमा करके ऐड करते जाओ ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे कि आप बैंक में आईडी प्रूफ अकाउंट खोलने जा रहे हैं और बैंक वाले ने एक्सेल शीट बना रखा है आईडी प्रूफ के लिए, और स्टेटस ओके होने पर आपके फॉर्म को प्रोसीड करता है। आईडी प्रूफ में बोलता है कि पैन नंबर चाहिए, डीएल चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, यूआईडी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस है। तो स्टेटस में ओके कब दिखेगा, जब इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप देते हैं। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कोई एक दे, एक से ज़्यादा भी तो दे देगा, कोई दो दे देते हैं, कोई तीन दे देते हैं, कुछ लोग सारे के सारे दे देते हैं, क्या जी? आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है तो कुछ लोग पैन कार्ड और कुछ लोग आधार कार्ड दोनों दे देते हैं, पर आईडी प्रूफ में दोनों में से कोई एक भी चलेगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन है कि कोई भी, कोई कम से कम एक एक आईडी अगर जिसने जिसने दे रखा है, कम से कम एक आईडी प्रूफ दे रखा है तो स्टेटस में हो गया है, अदरवाइज पेंडिंग है। बट यहाँ जरूरी नहीं कि एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम और यूज करते हैं, और इसको सेलेक्ट किए दैन इक्वल टू y, कॉमा इसको सेलेक्ट किए दैट इज इक्वल टू y, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू y, देन uid को सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू y, एंटर प्रेस कीजिए और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। रिजल्ट ट्रू फॉल्स आ गया। तो इसको ट्रू फॉल्स को इजीली हम क्या कर सकते हैं, इफ फॉर्मूले के साथ स्टेटस में ओके और पेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर। अब बारी आती है कि इनको हम इफ के जरिए कैसे करें। देखिए यहां आएगा इफ द
पहली कंडीशन में आते हैं आपका इफ, हमने बोला कि अगर ये सैटरडे है तो यही पे क्या शो कर दे ऑफ, मतलब यहां पे क्या है कि हमने पहला कंडीशन दिया और रिजल्ट दे दिया। और के केसेस में क्या होता है कंडीशन रिजल्ट, देखिए एंड केसेस में क्या होता है फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन आफ्टर देन रिजल्ट, बट और के केसेस में क्या होता है कंडीशन रिजल्ट कंडीशन रिजल्ट। तो यहां पे हम दूसरा इफ देंगे और यहां पे सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर ए इक्वल टू संडे देन ऑफ, और यहां पे हम ऑफ ऑफ होगा नहीं तो ओपन होगा। और यहां पे मुझे दो फॉल्स देने पड़ेंगे, जितने इफ उतने फॉल्स, नहीं एक ही एक ही एक ही देना पड़ेगा। तो यहां देखिए पहले इफ पहला ये चेक करेगा अगर इसको सैटरडे मिल गया तो यहां पे कर देगा ऑफ और बाकी को एक कर देगा इग्नोर, बाकी को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर दूसरा आया यहां पे इसको मिल गया संडे मिल गया तो ये ऑफ शो कर देगा, अगर नहीं मिला तो ओपन शो करेगा। समझ गए? समझ गए। सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगा, आप देखिए इफ हम पहले को 10 को सेलेक्ट किए 10 इक्वल टू वाई, अगर 10 मिल गया तो आप यहीं पे ओके कर दीजिए, अदरवाइज अगेन इफ। तो देखिए एंड में क्या होता है कि पहला इफ दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में होता है, बट और में क्या होता है कि पहला दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में होता है, दैट इज इक्वल टू वाई देन ओके इफ, इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई देन अगेन इफ, इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई यहाँ पे ओके। लास्ट में हमने देखे पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पेंडिंग होने के चांस एक ही बार है ना, ओके ओके सर, समझ आ गया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं कि हमारे पास कंडीशन जो है मिक्सअप है, मतलब कि मैं बोलता हूं कि पैन नंबर तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा इसमें से कोई एक, मतलब आपकी कंपनी बोल बैंक बोल रही है कि दो डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, जिसमें से पैन तो आपको देना ही देना है, पैन के अलावा कोई एक दे दीजिए, पैन के अलावा कोई और दे दे। कोई एक दे दीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लगेगा एंड फॉर्म, क्योंकि एक एंड है तो पहले एंड लगेगा, क्योंकि एंड की प्रायोरिटी पहले है ना, दैट इक्वल टू वाई, और फिर हम एंड हो चाहिए दो ट्रू, पहला तो पैन ले लिया, दूसरा में हमारे पास तीन कंडीशन है, तीनों में से कोई एक होगा तो इसलिए हम और लगा देते हैं, कोई एक देगा, ये बुक ले लो भाई, ये बुक से कौन लेगा भाई, और यहां पे कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू या, और हमने इंटरफेस कर आ गया ट्रू सर। अब इसका आपको ढूंढना है इफ नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ में कैसे होगा, ये आज का होमवर्क है आपका सर, ओके ठीक है।